जो लास्ट लेक्चर हम लोगों का हुआ था उसमें हम लोगों ने ड्यूअलिटी की सारी थ्योरी पढ़ ली थी कि किस तरीके से अगर आपकी प्रॉब्लम प्राइमल में दी जाती है तो हम उसको ड्यूअल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसमें हम एक अप्रोच और बता रहे हैं कि मैट्रिक्स के थ्रू अगर हम आए तो मैट्रिक्स के थ्रू हमको काफी ज्यादा आसान पड़ेगा और ये मेरे ख्याल से सभी के लिए, हमको थ्योरी भी कम लिखनी पड़ेगी। मैट्रिक्स के अप्रोच में हमको एक फायदा बड़ा तगड़ा होगा कि जो प्राइमल की प्रॉब्लम दी गई है उसको पहले हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार प्रॉब्लम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, हम वहां से सीधे सारे रूल अप्लाई करते हुए तैयार कर सकते हैं अपने ड्यूअल को, तो वहां मुझको काफी ज्यादा थ्योरी कम लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज इसमें क्या होगा कि हमको सारी थ्योरी बतानी पड़ेगी कि इतने कांस्टेंट इसलिए ये वेरिएबल हम ड्यूअल के लिए मान रहे हैं, उसके बाद फिर उधर लेस देन आर इक्वल टू, इधर ग्रेटर देन आर इक्वल टू। मैट्रिक्स के अप्रोच में ये सारी बातों से कुछ ना कुछ तो फुर्सत मिल ही जाएगी। मैट्रिक्स का अप्रोच देखना सब लोग, फिर हम न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। यहां पर हेडिंग डाल देना मैट्रिक्स अप्रोच, मैट्रिक्स अप्रोच, मैट्रिक्स अप्रोच। अब इसमें देखना, ध्यान से देखना इस चीज को। जैसे मान लो हमको प्राइमल की प्रॉब्लम दी जाती है तो प्राइमल प्रॉब्लम जब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हम यहां पर लिख रहे हैं इफ प्राइमल बी, इफ प्राइमल, इफ प्राइमल बी, अगर हमारी प्राइमल प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड एक्स इज इक्वल टू, प्रॉब्लम दी गई है सी वन आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस सी एन एक्स एन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट और इसके ऊपर जो कॉन्स्टेंट लगे हुए हैं वो है ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए वन एन एक्स एन लेस देन और इक्वल टू बी वन, पहला कॉन्स्टेंट। दूसरा कॉन्स्टेंट देखना ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए टू एन एक्स एन लेस देन और इक्वल टू बी टू, इस तरीके से चलते हुए अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। लास्ट का कांस्टेंट हम लिख रहे हैं ए एम वन एक्स वन प्लस ए एम टू एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एम एन एक्स एन लेस देन और इक्वल टू बी एम एंड, और लास्ट में हमको दिया जाता है एंड एक्स वन कॉमन एक्स टू कॉमन एक्स थ्री अप टू सो ऑन एक्स एन, सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने, सॉरी जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। अगर ये प्राइमल प्रॉब्लम दी जाती है और ये पूरी प्राइमल प्रॉब्लम इस तरीके के फॉर्म में दी गई है, हम ऐसे में करते क्या हैं, हम इस प्राइमल प्रॉब्लम को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान देना इफ प्राइमल प्रॉब्लम बी दिस देन देन दिस प्रॉब्लम इन मैट्रिक्स फॉर्म बी देन दिस प्रॉब्लम then this problem in matrix form in matrix form b, तब यही problem matrix के form में क्या होगी वो सुनना, उधर corner पर चमक आ रही होगी, हम इसको नीचे लिख रहे हैं then this problem in matrix form b in matrix फॉर बी, अब और इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं मैक्सिमाइज जेड, ये बात तो वही रही मैक्सिमाइज जेड एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना सी वन सी टू सी थ्री सी एन इनको लेकर के हम एक रो मैट्रिक्स बना देते हैं सी वन सी टू अप टू सो ऑन सी एन, ये आपकी रो मैट्रिक्स हो गई। और यहां पर हम कॉलम मैट्रिक्स रख दे रहे हैं x1, x2 अप टू सो ऑन चलते हुए xn। अब गौर करना ये मैट्रिक्स एक रो और एक दो तीन n कॉलम, तो ये हो गई 1 क्रॉस n की, ये आपकी हो गई n क्रॉस 1 की,
पहली मैट्रिक्स है वन क्रॉस एन की, दूसरी है एन क्रॉस वन की, तो ये खप जाएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वन क्रॉस वन की। और देखना सी वन इंटू एक्स वन प्लस सी टू इंटू एक्स टू प्लस सी थ्री इंटू एक्स थ्री प्लस सो ऑन सी एन इंटू एक्स एन, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके सामने है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब आगे सुनना, फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट वो सुनना, इसको तोड़ रहे हैं कोफिशियंट मैट्रिक्स और वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो कोफिशियंट मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं A11, A21, AM1, तो यहां पर A11, A21, up to so on AM1, ये पहला कॉलम हुआ। दूसरा सुनना A12, A22, AM2, तो ये हो गया A12, A22, up to so on AM2। अब इस तरीके से चलते हुए so on A1N, A2N, AMN, तो A1N, A2N, up to so on AMN, ये आपका हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और बगल में वेरिएबल मैट्रिक्स रख दे रहे हैं X1, X2, up to so on XN, ठीक। और ये पूरा लेस देन और इक्वल टू इधर आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स B1, B2, up to so on BN, गौर करना। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो तो रो की संख्या m, कॉलम की संख्या n, मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n और ये हुआ m क्रॉस 1, तो m n चला गया, m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स तैयार है। और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, ठीक, वेयर जहां पर xi ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 टू सो ऑन n, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। अब गौर करना, अगर हम इसको मैट्रिक्स वेक्टर सी के फॉर्म में लिखें, क्योंकि एक रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहा जाता है, तो मैट्रिक्स वेक्टर सी, ये आपका हुआ वेक्टर एक्स, ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होती है कैपिटल ए से, ये वेक्टर एक्स और ये वेक्टर बी, यानी ये पूरा शॉर्ट हैंड में क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, इन शॉर्ट देखना, इन शॉर्ट मैक्स Z X is equal to vector C, और vector C आपका कितने का है, 1 cross N का है, तो लिखना हो तो लिखें चाहे तो नहीं, इधर vector X, ये आपका X1, X2, so on, XN हो गया, ठीक। Subject to constraint, कौन सा, coefficient matrix, capital A, ये आपका फिर से vector X, और less than or equal to, इसको आप लिख सकते हो vector B, जहां पर vector X, where, ठीक, such that, या वेयर लिख देते हैं, वेयर जहां पर वेक्टर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब ये आपका 0 वेक्टर जो रहेगा, सॉरी ये आपका पॉजिटिव बना रहेगा या नॉन नेगेटिव बना रहेगा। तो इस तरीके से हम अपनी दी गई ट्रायंगल प्रॉब्लम का मैट्रिक्स फॉर्म तैयार कर सकते हैं। अब सुनना, एक बार मैट्रिक्स फॉर्म तैयार हो गया तो इससे ड्यूअल को बनाना मेरे लिए कितना आसान होगा। देन ड्यूअल बी देन, तब ऐसे मामलों में देन ड्यूअल बी, आपकी ड्यूअल प्रॉब्लम सुनो क्या होता क्या है, ड्यूअल को तैयार करते वक्त जितने आपके पास कांस्टेंट होते हैं उतने ही आप वेरिएबल मानते हो। तो B1, B2, B3, BM, ये इतने मेरे पास कांस्टेंट है, टोटल M कांस्टेंट, तो हम लोग M वेरिएबल मान लेंगे, Y1, Y2, so on, YN मान लेते हैं, YM मान लेते हैं। अब होगा क्या, ये उठ करके यहां चला आता था, ये उठ के राइट साइड में चला जाता था और इसका ट्रांसपोज हो जाता था, तो यानी ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होगी वो सुनना, ड्यूअल प्रॉब्लम भी मिनिमाइज ZY इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ये जो B1, B2, B3, BM आया है इसका ट्रांसपोज, वेक्टर B का ट्रांसपोज, मतलब यहां ये कॉलम वेक्टर है, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रो वेक्टर। हम अभी प्रॉपर वे में निकाल के भी दिखाते हैं, परेशान ना होना इसमें, और इनटू वेक्टर वाई, जहां वेक्टर वाई M क्रॉस, सॉरी ये होगा आपका M क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी, तो हम यहां लिख देते हैं M क्रॉस 1, और ये आपका कितने का होगा, अगर इसका ऑर्डर देखो तो इसका ऑर्डर है, रो की संख्या M है और कॉलम 1 है, तो ये है M by 1 का, तो ये आपका पलट करके हो जाएगा 1 by M का, तो
तो ये लास्ट में आएगा वन क्रॉस वन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अभी हम प्रॉपर वे में पूरा लिख करके दिखाते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सुनो क्या होता है, जो आपके ड्यूअल में सॉरी प्राइमल में कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है वो ड्यूअल में क्या हो जाती है ट्रांसपोज हो जाती है ए ट्रांसपोज ठीक, और इनटू वेक्टर वाई। यहां इक्वालिटी लेस देन की थी, यहां इक्वालिटी जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये आपका जो रो वेक्टर है ये इधर लग जाएगा, यानी ये इसका ट्रांसपोज यहां पर इनटू वेक्टर सी का ट्रांसपोज हो गया ठीक। सच दैट या वेयर या एंड जो भी आप लिखना चाहो एंड वेक्टर वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन फुलफिल होता रहेगा। आप सोचो अब हम इससे आपको ड्यूअल को बना करके दिखाते हैं, ड्यूअल बना करके दिखाते हैं वो देखना, यही बना दे रहे हैं। जैसा हम इसको फिर से लिखे प्रॉपर वे में तो लिखा गया है मिनिमाइज जेड वाई इज इक्वल टू, इनका सुना वेक्टर बी का ट्रांसपोज, तो वेक्टर बी है कॉलम में बी वन बी टू बी थ्री सो ऑन बी एन, तो रो में इसका ट्रांसपोज रो वेक्टर बनेगा बी वन बी टू सो ऑन बी एन, ये रहा ठीक। और वेक्टर वाई कितने का है एम क्रॉस वन वाई वन वाई टू सो ऑन वाई एन। अब गौर करो होगा क्या, अब होगा बी वन इंटू वाई वन प्लस बी टू इंटू वाई टू प्लस सो ऑन बी एन इंटू वाई वन, ये आपका हो गया सब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट सुनना ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का मतलब इसका ट्रांसपोज ए वन वन ए वन टू टू वन अप टू सो ऑन ए एम वन, अगला कौन होगा ए वन टू फिर कौन होगा ए टू टू ए टू टू सो ऑन, ट्रांसपोज ले रहे हैं ए एम टू, इस तरीके से चलते हुए ए वन एन ए टू एन ए एम एन ए वन एन ए टू एन सो ऑन ए लास्ट वाला एम एन, ये रहा। और इन टू यहां पर फिर से वाई वन वाई टू सो ऑन वाई एम ठीक, ये रहा। और दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू इक्वलिटी पर अगली सी ट्रांसपोज, तो C यहाँ रो वेक्टर है, यहाँ आकर के कॉलम वेक्टर हो जाएगा C1, C2, so on, Cn। अब जरा मल्टीप्लाई करते हो A11 Y1 plus A21 Y2 plus so on An1 Yn greater than or equal to C1, A12 Y1 plus A22 Y2 so on plus Am2 Yn is greater than or equal to C2। तो ये होता है कि अगर आप अपने प्राइमल को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके आप ड्यूअल को बड़े आसानी से बना सकते हो, आपको कोई बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक केवल नोट करो, बाकी नाम हमारा हो जाएगा, सिर्फ यहां तक ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, नोट करो फिर आगे चलते हैं हम लोग। मैट्रिक्स अप्रोच हमारे लिए हमेशा फायदे का ही सौदा होगा। मैट्रिक्स अप्रोच में एक तो सबसे बड़ी बात होती है मैट्रिक्स अप्रोच में गलती होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ है आपको सामने नजर आ रहा है, ट्रांसपोज लेना है वो भी आपको पता चल रहा है। मैट्रिक्स अप्रोच में ये भी आप मल्टीप्लाई करके पता कर लोगे कि आपका क्या सचमुच में वो रो वेक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद कॉलम वेक्टर से क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सही सलामत जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वहां एक आध वेरिएबल छूटने का डर रहता है, जब आप थ्योरी लिख रहे हो और आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो एक आध वेरिएबल आपके छूट सकते हैं, इसमें वो गुंजाइश खत्म जाती है, क्योंकि इसमें अगर एक भी छूट गया ना तो आपकी कैलकुलेशन सही होने वाली नहीं है। इसीलिए प्रीफर हमेशा ये करना कि मैट्रिक्स वाला अप्रोच पकड़ लेना। लिखना तो आगे बढ़ते हैं, चलो न्यूमेरिकल लेते हैं ड्यूअलिटी के, देखते हैं कैसे लगे हैं।
अच्छा हम दोनों अप्रोच दिखा रहे हैं हम लोगों को करके, एक मैट्रिक्स के थ्रू कैसे लगाएंगे और एक जब आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी तब कैसे काम चलेगा, जो तुम्हारा मन है एग्जाम में उस मेथड से अप्लाई कर देना, चाहे तो मैट्रिक्स चले आना और चाहे तो थ्योरेटिकल अप्रोच में चले आना। सबसे पहले थ्योरेटिकल अप्रोच दिखाते हैं फिर मैट्रिक्स का अप्रोच दिखा देंगे। लिखना फाइंड ड्यूअल, प्रॉब्लम है फाइंड ड्यूअल, फाइंड ड्यूअल फॉर, आप ड्यूअल प्रॉब्लम बनाइए फॉर मैक्सिमाइज जेड, फॉर मैक्सिमाइज जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, कांस्टेंट दिए गए हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ठीक लेस देन और इक्वल टू टेन पहला कांस्टेंट, दूसरा दिया गया है टू एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स थ्री लेस देन और इक्वल टू टू, फिर टू एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री लेस देन और इक्वल टू सिक्स, और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये आपको प्राइमल प्रॉब्लम दी गई है, कहा यह जा रहा है इस दी गई प्राइमल प्रॉब्लम के लिए ड्यूअल प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट कीजिए। ऑलरेडी सारी इक्वलिटी लेस देन टाइप की है, लेस देन आर इक्वल टू टाइप की, तो यहां कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ एक काम करेंगे, ये जो प्रॉब्लम दी गई है इस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा देंगे। इस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराने पर हमको C1, C2, C3, B1, B2, B3 ये सारे मिल जाएंगे। दूसरी बात, हमको ये नजर आता है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं, तीन है, तो जितना आपके प्राइमल में नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं उतना ही आपके ड्यूअल में डिसीजन वेरिएबल होते हैं। तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में पहला डिसीजन वेरिएबल Y1 मान लेंगे, दूसरे के रिस्पेक्ट में दूसरा डिसीजन वेरिएबल Y2 मान लेंगे, और तीसरे के लिए तीसरा डिसीजन वेरिएबल Y3 मान लेंगे। तो मेरे पास ड्यूअल के लिए तीन डिसीजन वेरिएबल निकल करके आएंगे Y1, Y2 और Y3। चलो शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन पहली चीज तो वही, कंपेयरिंग गिवन प्राइमल, ये हम थ्योरेटिकल अप्रोच चल रहे हैं, कंपेयरिंग given, comparing given problem with standard form, with standard form, with standard form, दी गई problem को standard form से compare कराने पर। ध्यान देना, अपने पास C1 क्या मिलेगा, C1 हमारे पास है कितना 1 ठीक, इसके बाद C2 देखना, C2 हमारे पास कितना है माइनस 1, फिर हम देखते हैं C3, तो C3 हमारे पास कितना है प्लस 3, और इसी के नीचे लिखते रहे दीज बिकम्स, ये बन जाएंगे दीज बिकम्स या दीज जनरेट राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट, या सीधे लिखते थे these becomes right hand side constant in dual constants। जो आपका ड्यूअल प्रॉब्लम तैयार होगा उस ड्यूअल प्रॉब्लम में जो कांस्टेंट्स बन रहे होंगे उन कांस्टेंट के राइट साइड में मौजूद कांस्टेंट 1 माइनस 1 और 3 बन जाएगा ठीक। तो ये इसी यही पर मेन दिक्कत यही है कि जब आप इस तरह थ्योरेटिकल अप्रोच में आते हो तो आपको ये सारी बातें बतानी पड़ती हैं ठीक। इतना नोट करो, तुरंत आगे बढ़ते हैं।
नंबर ऑफ कांस्टेंट की बात लिख लेते हैं, ठीक, नंबर ऑफ कांस्टेंट नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इज इक्वल टू 3, ठीक। सो y1 y2 y3, ठीक। सो y1 y2 y3 वर्क एज, ये काम करेंगे वर्क एज ड्यूअल डिसीजन वेरिएबल, ड्यूअल डिसीजन वेरिएबल वेरिएबल्स। चूंकि हमारे पास कांस्टेंट की संख्या 3 है, इसलिए y1 y2 और y3 ये लोग ड्यूअल डिसीजन वेरिएबल का काम करेंगे, ठीक। अब प्राइमल में कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, इन प्राइमल कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इन प्राइमल कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू, चलो प्राइमल में कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखा, 1 2 और 2, तो ये रहा 1 2 2। अगला देखना 1 -1 -2, 1 -1 और -2, ठीक। इसके बाद 1 -1 -3, 1 -1 -3, ये हुआ। सो इन ड्यूअल कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सो इन ड्यूअल कोफिशिएंट मैट्रिक्स बी ए ट्रांसपोज, तो ड्यूअल में कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज होगा, और इसका ट्रांसपोज लेंगे, दिस इज इक्वल टू, जो कॉलम है वो रो में बदल जाएगा, 1 2 2 1 2 2। अगला 1 -1 -2, 1 -1 -2, अगला 1 -1 -3, 1 -1 -3, ये आपका ए ट्रांसपोज हो गया, ठीक। फिर अगला देखते हैं, b1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 10। इसके बाद b2 आपके पास कितना है, b2 ये हमारे पास 2 है। फिर अगले पर आते हैं, b3 हमारे पास 6 है, b3 इज इक्वल टू 6। ये देखना, इनके लिए दीज बिकम्स अच्छा, जो आपका प्राइमल में राइट हैंड साइड कांस्टेंट होता है वो आपके ड्यूअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में y1 y2 y3 का कोफिशिएंट बन जाता है, तो दीज बिकम्स कोफिशिएंट ऑफ y1 y2 y3 रिस्पेक्टिवली इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम। इतनी थ्योरी हमको ये लिखनी पड़ेगी, ठीक। b1 b2 b3 जो आपके मौजूद हैं, दीज बिकम्स, ये बन जाएंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ y1 y2 y3 रिस्पेक्टिवली। b1 y1 का कोफिशिएंट बनेगा, b2 y2 का बनेगा, b3 y3 का बनेगा, कहां पर, इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम। जो आपका ड्यूअल प्रॉब्लम होगा उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपके डिसीजन वेरिएबल के ये कोफिशिएंट बन रहे होंगे। ये इतनी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, अब हम ड्यूअल पर बात करेंगे, लिखो फिर आगे चलते हैं। प्राइमल प्रॉब्लम मिटा करके हम ड्यूअल बना रहे हैं यहां पर। हाँ, एक बात और, एक चीज ये याद रखना कि प्राइमल आपका मैक्सिमा का है तो ड्यूअल आपका मिनिमा का होगा, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। और सारी इनइक्वालिटी जो लेस देन टाइप की है ये ग्रेटर देन टाइप में। अब हम इसको लिख नहीं रहे थ्योरेटिकली, ये हम लोग जानते हैं, सीधे अप्लाई कर दे रहे हैं, या बाकी ना लगाए वो भी लिख ही देते हैं। एज प्राइमल बी, एज primal b of maximization
एज प्राइमल वे ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप, जो कि प्राइमल प्रॉब्लम किस टाइप की, मैक्सिमाइजेशन टाइप की. सो ड्यूअल बी ऑफ मिनिमाइजेशन, या ड्यूअल विल बी लिख देना, ड्यूअल विल बी ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप, ड्यूअल विल बी ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप. सो ड्यूअल विल बी ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप. परेशान मत होना, अभी सारी लैंग्वेज से फुर्सत दिला रहे हैं, दूसरा न्यूमेरिकल हम मैट्रिक्स के फॉर्म में करेंगे, वो बहुत आसान पड़ेगा हमको. सो ड्यूअल विल बी, हालांकि ये भी गड़बड़ नहीं है, बस इसमें आप हर इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर कट एकदम लिख रहे हो कि सामने वाला इसको देखेगा तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा. एग्जामिनर को और कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल एक चीज चाहिए कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसको फटाफट समझ में आ जाए, बस इतनी सी ही बात होती है और कुछ नहीं. आपने रफली कैलकुलेट कर दिया, उसको सारे नियम पता है, लेकिन वो ये मान सकता है कि आपने बगल वाले की कॉपी की होगी, ठीक, इसीलिए ये सारी बातें लिख रहे हैं. सो ड्यूअल विल बी ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप, ठीक. इसके बाद एक और पॉइंट, ठीक, चेंज इन ड्यूअल, इन ड्यूअल, ठीक, इन ड्यूअल ऑल कांस्टेंट आर कांस्टेंट्स या ऑल इनइक्वालिटी, ऑल इनइक्वालिटी, ऑल इनइक्वालिटी, ऑल इनइक्वालिटी विल बी ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू टाइप, will be greater than or equal to type. और आपकी सारी जो inequality होगी वो greater than or equal to type की होगी, ठीक. So our dual problem b, so our dual b, इसलिए हमारी problem का जो dual होगा वो कौन होगा, वो होगा minimize z, ध्यान देना, minimize z by is equal to, आप theory में ये आप objective function लिख रहे हो, objective function में 10 y1 का कोफिशिएंट होगा, 2 y2 का होगा, 6 y3 का होगा, तो आपको मिलेगा 10 y1, ठीक, प्लस 2 y2 प्लस 6 y3, ये रहा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट. राइट साइड का कांस्टेंट याद रखना 1 माइनस 1 3, हम इधर लिख दे रहे हैं यहां पर 1 माइनस 1 और 3, 1 माइनस 1 होना चाहिए, माइनस वन माइनस वन और थ्री, ये हम कॉर्नर पर लिख दे रहे हैं, जगह खाली कर रहे हैं. सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सुनो, वो आपका ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज में वन टू टू इनको उठाओ, वाई वन वाई टू वाई थ्री में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखना ये होगा वन इंटू वाई वन, ठीक, प्लस टू वाई टू और प्लस 2y3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहला राइट हैंड साइड कांस्टेंट 1, ये रहा, इधर हमने यहां मल्टीप्लाई किया है y1 का y2 का और y3 का, लिखना मत इसको, बस खाली दिखने के लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into y1 plus 2y2 plus 2y3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अगला सुनो, 1y1 minus 1y2 minus 2y3 ग्रेटर देन और इक्वल टू minus 1, तो ये हो जाएगा y1 माइनस वाई टू, ठीक, फिर माइनस टू वाई थ्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन, और अगला वाई वन, ठीक, माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करने हैं इससे, तो वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है, और माइनस थ्री वाई थ्री, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री, ये रहा, और लास्ट में एंड वाई वन वाई टू y3 r r greater than r equal to 0, ये आपकी dual problem तैयार हो गई. नोट कर लो, primal maximization type की थी, dual minimization type की हुई. अगला मेरे को जो लगाएंगे वो मैट्रिक
मैट्रिक्स अप्रोच रहेंगे, वो हमारे लिए बहुत आसान पड़ेगा मैट्रिक्स अप्रोच में। कंप्लीट हो जाए तो आगे चलते हैं। चल दूसरा नंबर एकदम उठा रहे हैं, अगली प्रॉब्लम देखना। प्रॉब्लम लिखना, राइट द ड्यूअल टू द फॉलोइंग एलडी प्रॉब्लम, राइट द ड्यूअल, राइट द ड्यूअल, राइट द ड्यूअल टू द फॉलोइंग, टू द फॉलोइंग, राइट द ड्यूअल to the following linear programming problem LPP। ठीक, problem दी गई है maximize zx is equal to x1 minus x2 plus 3x3। चेक करें वही problem तो नहीं जो अभी करवाए थे, एक मिनट में। चेंज करेंगे थोड़ा सा इसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो सेम रहने दो, ठीक, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हम इसका बदल देंगे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 minus 2x2 minus x3 लेस देन आर इक्वल टू 5। अगला लिख देते हैं 2x1 minus 2x2 plus x3 less than or equal to 8। इसके बाद अगला लिख लेते हैं x1 plus 9x2 minus x3 less than or equal to 5। और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी एंड x1, x2, x3 all are greater than or equal to 0। कुछ चीजें सीधे सीधे, नंबर ऑफ कांस्टेंट पहले गिन लो, 1, 2, 3 नंबर ऑफ कांस्टेंट 3 है, तो जो आपका ड्यूअल तैयार होगा उस ड्यूअल में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे, डिसीजन वेरिएबल, वो भी 3 होंगे। ठीक, इस बात को तो लिखना ही पड़ेगा एज इट इज, सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन हियर नंबर ऑफ कांस्टेंट्स
इज इक्वल टू 3, ठीक। सो टेक, सो टेक वाई वन वाई टू वाई थ्री एज डिसीजन वेरिएबल, एज ड्यूअल डिसीजन वेरिएबल, ड्यूअल डिसीजन वेरिएबल्स। कुछ थ्योरी तो आपको लिखनी पड़ेगी, वो रिक्वायरमेंट है, वो जरूरी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। नंबर ऑफ कांस्टेंट 3 है हमारे पास, तो हम y1 y2 y3 को ड्यूअल डिसीजन वेरिएबल के तौर पर ले लेते हैं। अब हम अपने प्राइमल को पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। प्राइमल प्रॉब्लम इन मैट्रिक्स फॉर्म भी, प्राइमल प्रॉब्लम इन मैट्रिक्स फॉर्म भी, इन मैट्रिक्स फॉर्म भी। चल प्राइमल प्रॉब्लम को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। मैक्सिमाइज जेड, ध्यान से समझना, मैक्सिमाइज जेड एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक, माइनस 1, इसके बाद 3, ये रहा आपका, ठीक। और यहां पर आपके तीनों वेरिएबल x1 x2 x3 ये रहा। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स सुनना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 1, तो 1 2 1। अच्छा, हम लोग एक काम और करते हैं ना, थोड़ा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं। तो हम लोग इसको बोल देते हैं वेक्टर c, ठीक, और इसको बोल देते हैं वेक्टर x। तो इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमाइज zx इज इक्वल टू वेक्टर c वेक्टर x, चाहे तो यहां मानो और चाहे तो ऐसे मान लेना, दिस इज इक्वल टू वेक्टर c इनटू वेक्टर x। इस तरीके से वेक्टर c का कोई पूछे कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो 1 रो है और 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 का होगा, और इसका कितना एक होगा, 3 रो है और एक कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1। जिनको भी जरा सी दिक्कत होगी वो ऑर्डर भी वहीं पर लिख लेने चाहे, तो हम लिख दे रहे हैं वेक्टर c ये आपका है 1/3 की मैट्रिक्स, और वेक्टर x आपका कॉलम वेक्टर है, ये है 3/1 का, ठीक। इस तरह मेंशन कर दिया मैंने, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। और कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 1 2 1 1 2 1, ठीक। -2 -2 9 -2 -2 9। अगला सुनना, -1 1 -1 -1 1 -1, ये रहा, ठीक। और इधर आपके वही वेरिएबल x1 x2 x3, ठीक, all are less than or equal to 5 8 5, तो ये आपका हुआ 5 8 और कितना 5। अब गौर करना, इसका ऑर्डर देखो 3 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 1, तो रिजल्ट है 3 क्रॉस 1। ये आपका जो होता है इसको हम बोलते हैं वेक्टर a, ये आपका हो गया वेक्टर x, और लेस देन आर इक्वल टू ये आपका कॉलम वेक्टर हो गया वेक्टर b। इस तरह मेंशन कर देना, ठीक। और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी लिख देना, एंड वेक्टर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक। ये आपका हमेशा पॉजिटिव यानी नॉन नेगेटिव बना रहेगा, वेक्टर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये आपकी पूरी प्राइमल प्रॉब्लम तैयार हो चुकी है मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब हम ड्यूअल तैयार करते हैं, देन ड्यूअल प्रॉब्लम भी, देन ड्यूअल प्रॉब्लम भी। तब इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होगी वो सुनना। सबसे पहला काम, चूंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां हमारे पास कौन सा है, मैक्सिमाइजेशन का, तो हमारे ड्यूअल में कैसा होगा, मिनिमाइजेशन का। तो हम इसको लिखेंगे मिनिमाइज जेड वाई, क्योंकि अब हमारा डिसीजन वेरिएबल x1 x2 x3 नहीं बल्कि y1 y2 और y3 है, ठीक। अब ध्यान देना, ये जो वेक्टर c है ये हट जाएगा, इसकी जगह पर वेक्टर b का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं दिस इज इक्वल टू वेक्टर b का ट्रांसपोज, वेक्टर b ट्रांसपोज, और इनटू यहां पर आपका होगा वेक्टर y, ठीक। वेक्टर y कौन है, कॉलम वेक्टर y1 y2 y3। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ठीक, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट सुनना। जो आपका ये वेक्टर a, सॉरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स a है, जब आप ड्यूअल तैयार कर रहे होगे तो इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा,
सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ए ट्रांसपोज, ठीक, और इनटू वेक्टर वाई। चूंकि यहां इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल टू टाइप की है, तो यहां इनइक्वालिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप की हो, और ये जो आपका वेक्टर सी है राइट हैंड साइड में ये लोग कांस्टेंट बन जाते थे, तो ये सी का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो वेक्टर सी का ट्रांसपोज हो गया, ठीक, एंड वेक्टर वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक, दैट इज। अर्थात अब गौर करना, इतना सिंपल वे में हम लोग इसको पूरा बना चुके हैं कि मुझको कहीं पर कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ी है, सिर्फ इतने हिस्से को छोड़ करके, और ये रियली हद दर्जे आसान हो गया। लैंग्वेज को जब आप लिखते हो तो क्या सही हो जाए क्या गलत हो जाए, आप कुछ भूल जाओ, कोई इंफॉर्मेशन छूट जाए, उससे बेहतर है आप हर चीज मैट्रिक्स के फॉर्म में डाल रहे हो, ठीक। हाँ, जैसे कोई वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड हो गया तो हमको वो वहां पर चर्चा करनी पड़ेगी कि फला वेरिएबल आपका अनरेस्ट्रिक्टेड हुआ है तो हम उसको दो के डिफरेंस के तौर पर लिख रहे हैं। जैसे x5 अनरेस्ट्रिक्टेड हो गया इन साइन, तो हम x5 के बारे में बताएंगे, नाउ वी राइट x5 एज द x5 डैश माइनस x5 डबल डैश, ये बातें बीच बीच में बता दी जाती है, लेकिन फिर भी लैंग्वेज काफी हद तक कम हो चुकी है। देखना, मिनिमाइज z y इज इक्वल टू b का ट्रांसपोज लगा रहे हैं, b का ट्रांसपोज सुनना, वो b सामने पड़ा है तो उसका ट्रांसपोज है 5 8 और कितना हो गया 5, ठीक। वेक्टर y, वेक्टर y आपका है y1 y2 और कितना हो गया y3, ये रहा, ठीक। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, अब इनका ट्रांसपोज देखो, इसका ट्रांसपोज कितना होगा 1 2 1 रो में चला जाएगा, तो 1 2 1 फिर कौन होगा माइनस टू माइनस टू और कितना 9, ठीक। अगला कौन होगा माइनस वन, फिर अगला कौन है 1 और फिर कितना माइनस 1, ये रहा, ठीक। यहां पर वाई वन वाई टू वाई थ्री, अगला कौन आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर, इसमें आपके प्राइमर में इक्वलिटी लेस देन आर इक्वल टू टाइप की, यहां हो जाएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये रहा। और सी का ट्रांसपोज, सी का मतलब ये, इसका ट्रांसपोज कर दो तो कितना हुआ 1 माइनस 1 और कितना 3, ये हो गया। और लास्ट में एंड y1 y2 और y3, हो गया y1 y2 y3 r ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 हो गया। चलो इनको भी दिखा देते हैं, चाहो तो अब एग्जाम में आप यहीं पर छोड़ सकते हो, कुछ गलत नहीं माना जाएगा, इतने पर भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई और इसको लिखना चाहे तो दैट इज, अर्थात ड्यूअल आपका जो बना वो बना मिनिमाइज जेड वाई इज इक्वल टू, देखना 5y1 प्लस 8y2 प्लस 5y3, 5y1 प्लस 8y2 प्लस 5y3 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कितना 1y1 प्लस 2y2 प्लस 1y3। पता है जिनको और फास्ट कैलकुलेशन करनी हो वो इधर मल्टीप्लाई ना करें, वो सीधे यहीं ऊपर बैठा दो y, पेपर में ऐसा मत लिखना, पेपर में ये प्रॉपर में सिस्टमैटिक ही लिखना, ये शॉर्टकट के तौर पर ऐसे बना दे y1 y2 y3 1y1 प्लस 2y2 प्लस 1y3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 माइनस 2y1 माइनस 2y2 प्लस 9y3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1y1 1y2 माइनस 1y3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये तीनों वहां पर लिख देना, तो ये हो गया y1 ठीक प्लस 2y2 प्लस y3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये हो गया। इसके बाद माइनस 2y1 फिर कितना माइनस 2y2 प्लस 9y3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1, अगला माइनस y1 प्लस y2 माइनस y3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, और लास्ट में नॉन नेगेटिव टी y1 y2 y3 आर आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये आपकी ड्यूअल प्रॉब्लम बन करके तैयार हो गई। थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है मैट्रिक्स में, लेकिन थ्योरी तो बच जाती है, बहुत मुश्किल से नोट करो।
चलो एक मिनट और लेते हैं इसका। अब की बार हम ऐसा करते हैं प्राइमल को मिनिमाइजेशन दे देते हैं और ड्यूअल तैयार करेंगे मैक्सिमाइजेशन का। प्रॉब्लम नोट करो, कहा गया है फाइंड द ड्यूअल, प्रॉब्लम फाइंड ड्यूअल फॉर किसके लिए, न्यूमेरिकल है, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू x1 plus 2 x2 subject to constants constants दिए गए हैं 2x1 plus 4x2 less than or equal to 160 x1 minus x2 is equal to 30 और x1 greater than or equal to 10। और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन x1 comma x2 greater than or equal to 0। खेल यहां प्रॉब्लम किसकी, मिनिमाइजेशन की, लेकिन इनइक्वालिटी मिक्स टाइप की आ गई, पहली लेस देन आर इक्वल टू, दूसरी इक्वल टू, तीसरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू। हम लगते हैं कि अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि सारी की सारी इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल टू टाइप की हो, अगर आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो सारी की सारी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप की हो। तो मतलब दिमाग में पहली बात तो ये आती है कि ये तो चलो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये और ये दोनों नागवार गुजरेगा हमेशा। आपको एक तो ये इक्वल टू हुआ तो आपको इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू में बदलना है, दूसरा ये लेस देन आर इक्वल टू है इसको भी हमको ग्रेटर देन आर इक्वल टू में ही चेंज करना पड़ेगा, ताकि इन दोनों को ग्रेटर देन आर इक्वल टू में चेंज करना। अगली बात सुनना, अगर कोई भी कांस्टेंट आपका इक्वल टू टाइप का हुआ, कोई भी कांस्टेंट इक्वल टू टाइप का हुआ तो उस कांस्टेंट के करेस्पोंडेंस में लिया गया वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा ड्यूअल में जाकर के। तो चूंकि मेरा दूसरा वाला जो कांस्टेंट है, ये दूसरा वाला कांस्टेंट आपका कैसा है, ये इक्वल टू टाइप का है, तो आपके ड्यूअल का जो सेकंड वेरिएबल होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा। लेकिन वो सारी बातें बाद में, सबसे पहले हम इसको रीराइट करते हैं। सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन रीराइट गिवन प्राइमल प्रॉब्लम दी गई प्राइमल प्रॉब्लम को फिर से रीराइट करने पर मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू x1 plus 2 x2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, subject to constant, ध्यान देना, ये less than or equal to type को बनाना है, इसको greater than or equal to type, तो एक ही काम करो, पूरे पर minus से multiply कर लो इसी में, तो -2x1, ठीक, plus कितना 4x2, sorry minus से multiply करना है, -4x2
और फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 160। ये याद रखना, यहां मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ठीक। इनका हाउस ये जो लिखा गया है इसको ब्रेक करो, और इक्वल टू टाइप का नहीं, हमको सारी की सारी इक्वलिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप चाहिए। तो हम लोग इसको लिखने चल रहे हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30, ठीक। एक बात तो मैंने ये लिखी, और दूसरी बात एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन आर इक्वल टू 30। परेशान ना होना कि दो बार यूज किया, पहले हम कह रहे हैं एक्स वन माइनस एक्स टू या तो 30 है या तो 30 से बड़ा, और फिर हम कह रहे हैं एक्स वन माइनस एक्स टू या तो 30 है या तो 30 से छोटा। तो एक बार वही चीज 30 या 30 से बड़ी है, और फिर वही चीज 30 या 30 से छोटी है, तो एक्चुअल में दोनों एक्सेप्टेड होंगे किस पर, इक्वलिटी पर। अब ये ग्रेटर देन मैंने बना लिया, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन नहीं है, इसको ग्रेटर देन बना लेंगे अगले स्टेप में, और मन चाहे अगर दिमाग चले तो यहीं पर ख्याल रखना, लेकिन फिर भी हम आगे बनाते हैं। अभी पर आना, ये ऑलरेडी एक्सेप्टेबल है, और x1 ग्रेटर देन r इक्वल टू कितना है 10, ठीक। एंड x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, ठीक। दैट इज अर्थात, या फिर और करके लिखते हैं और, अथवा फिर बना लें इसी प्रॉब्लम को, फिर से बना सकते हैं, मिनिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2, ठीक। इसके बाद सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट माइनस 2x1 माइनस 4x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 160, नो डाउट। अगले में आते हैं x1 माइनस x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30, एक्सेप्टेबल, लेकिन ये नहीं एक्सेप्टेबल है, पूरे पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा माइनस x1 प्लस x2, ठीक, और फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 30। अब ये भी बन गया, और लास्ट में x1, एक काम करते हैं ना, इसमें x2 नहीं है, अपनी मर्जी से लिख देते 0x2 आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, ये हो गया। एंड और लास्ट में x1 कॉमन x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये रहा। अब मर्जी हो तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, नंबर ऑफ कांस्टेंट देख लेना कितने हैं। अब मेरे पास जो नंबर ऑफ कांस्टेंट है 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब मेरे पास जो डिसीजन वेरिएबल बनेंगे ड्यूअल के लिए वो इनिशियल स्टेज में कितने माने जाएंगे, 4 माने जाएंगे। इतना नोट कर लो, तब आगे चलते हैं हम लोग। जहां पर ये खत्म हुआ है चारों तरह से यहां पर लिख सकते हो फोर कांस्टेंट्स, सो टेक वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड वाई फोर एज ड्यूअल डिसीजन वेरिएबल्स, ड्यूअल डिसीजन वेरिएबल्स, इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब मर्जी हो तो मैट्रिक्स का फॉर्म बनाओ, और मर्जी हो तो सीधे सीधे अब हम लोग काम कर सकते हैं कि ये आपका कौन होगा B1, B2, B3, B4, ये आपका कौन है C1 और C2। फिर भी मैट्रिक्स के फॉर्म में बना करके लिखा देते, जिनको आदत ना पड़ेगी मैट्रिक्स की वापस आते डाल लें। इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू पहला 1, 2, ये रहा, ठीक। इसके बाद यहां आपका डिसीजन वेरिएबल x1 x2, ये हुआ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सुनना कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितनी है आपके पास -2, 1, -1, 1, फिर कौन है -1 और कितना 1, ये। फिर अगला कौन है -4, -1, 1, -4 -1, 1,
और लास्ट में कितना है जीरो जीरो, ये रहा। एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर आपके कांस्टेंट कितने हैं -116, फिर कितना होगा 13, फिर अगला कौन है -30, फिर अगला कौन है 10, ठीक। एंड x1 कॉमन x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। अब सीधे हम ड्यूअल बना रहे हैं, सो ड्यूअल प्रॉब्लम बी, सो ड्यूअल बी, अब ड्यूअल देखना, चूंकि आपका प्राइमल मिनिमाइजेशन क्या है तो ड्यूअल आपका मैक्सिमाइजेशन का होगा, सो ड्यूअल प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, अच्छा मैक्सिमाइज जेड वाई करना, जेड वाई इज इक्वल टू, दिमाग चलाना, जो आपका राइट हैंड साइड कांस्टेंट है वो अब आपका यहां पर कोफिशिएंट बन जाएगा, तो ये आपका हुआ -160, ठीक, फिर कितना 30, फिर कितना -30 और -30 के बाद 10, ये रहा, ठीक। यहां y1 y2 y3 और y4 ये आपके हो गए वेरिएबल, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, जो आपकी यहां कोफिशिएंट मैट्रिक्स से यहां उसका ट्रांसपोज कर देना तो कितना हो जाएगा ये -2, फिर कितना 1, अगला कौन होगा -1, इसके बाद का हिस्सा +1, फिर अगले में आओ -4, फिर कितना -1, फिर कितना 1 और फिर कितना 0, ये रहा, ठीक। यहां पर y1 y2 y3 y4, ठीक, और चूंकि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप का है तो इधर लेस देन आर इक्वल टू, यहां पर आना, कौन कौन सा, यहां पर आपके पास कौन था 1 2, जो आपका यहां पर कोफिशिएंट है वो यहां पर राइट साइड का कांस्टेंट बन जाएगा 1 2, ये रहा। और लास्ट में एंड y1 y2 y3 और y4 all आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये रहा। अभी हम ये बताएंगे कि चूंकि हमारे सेकंड वाला जो कांस्टेंट था प्राइमल में वो इक्वल टू टाइप का था तो आपका जो सेकंड वेरिएबल होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा, देखना। अब हम इस पूरे को कन्वर्ट कर रहे हैं उस फॉर्म में जहां पर हम लोग इसको लिखते हैं, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म के बजाय इक्वेशंस के फॉर्म में आ रहे हैं, दैट इज अर्थात ड्यूअल देखना क्या हुआ आपका, ड्यूअल हमारे पास हुआ मैक्स जेड वाई जीरो। सारे लोग 2 मिनट के लिए लिखना बंद कर देंगे, बस केवल ऐसे लिखते हैं मैक्स जेड वाई इज इक्वल टू, ध्यान देना -160 by 1, -160 by 1। अब ध्यान से सुनना, 30 by 2 हम ऐसे लिख रहे हैं 30 by 2, ठीक, -30 by 3, तो हम 30 को कॉमन कर देते हैं, तो +30 हमने कॉमन किया, ब्रैकेट में बच रहा है y2 - y3, ये रहा, और फिर 10 y4, तो +10 y4, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में y2 - y3 को मैंने एक साथ कर लिया है, ठीक, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट देखना, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, फिर ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है -2 y1, तो -2 y1 अपनी जगह पर खड़ा है। अब की बात सुनना, 1 y2 - y3, तो हम y2 और y3 को एक साथ कर रहे हैं, तो +y2 - y3, ये हम जानबूझ कर कर रहे हैं। अगला y4, तो +y4 लेस देन और इक्वल टू कितना 1, ये आपका, ठीक। इसके बाद सुनना -4 y1, तो -4 y1, फिर सुनना -1 y2 और +y3, यानी हम यहां पर लिखेंगे -y2 और प्लस कितना y3, हम माइनस को कॉमन कर रहे हैं, तो माइनस को कॉमन करने की बात करना y2 - y3 और प्लस लास्ट में 0 y4 लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक। अब
y2 y3 y4 ये लोग तो ठीक है, लेकिन y2 minus y3 अभी एक बन चुका है, तो y3 minus y2 जो आपका होगा ये आपका unrestricted inside होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे where, जहां पर where y1 comma y4 greater than or equal to 0 but लेकिन y2 minus y3 is unrestricted, 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 हम चाहें तो हम y2 minus y3 को केवल और केवल y मान सकते हैं, तब हम लिखेंगे but y is unrestricted in sign, unrestricted in sign as in primal, क्यों हुआ, क्योंकि in primal, in primal our second constant is equal to time, in primal our second constant, our second constant is equal to time, equal to time, so so in dual, so in dual, इसलिए dual problem में our second variable पहला वेरिएबल y1 है, दूसरा वेरिएबल y2 minus y3 है, so in dual our second variable y2 minus y3 is unrestricted, इसलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा, unrestricted in sign हो जाएगा। ये होता है अगर equal to type आ गया तब आपको ये काम करना है। अब पूरा नोट कर लो और ये लेक्चर इसी पर रोक देंगे। सबसे मेन बात, सबसे सोचने की बात और ख्याल रखने की यही होती है, जब इक्वल टू टाइप का आएगा तो ये याद रखना इक्वल टू टाइप में आप उसी इक्वल टू के लिए दो इक्वेशन बनाओगे, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन टाइप का। तो ग्रेटर देन टाइप के लिए आप एक वेरिएबल मानोगे, लेस देन और इक्वल टू टाइप के लिए फिर आप एक वेरिएबल मानोगे, जबकि एक्चुअल में ये दोनों एक ही इक्वेशन के बने हैं। तो जो आपका y2 minus y3 है ये दो अलग अलग नहीं, ये एक साथ कंसीडर किया जाएगा, y2 minus y3 इज अ सिंगल वेरिएबल और किसके लिए आया है, आपके सेकंड वाले इक्वेशंस के लिए आया था जो आपका इक्वल टू टाइप का हुआ था। ठीक, अभी मान लीजिए इक्वल टू टाइप वाले और न्यूमेरिकल कराएंगे, इसलिए अब इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, वहां फिर इस बात को समझाएंगे कैसे ये आ रहा है। ये लेक्चर हम लोग इसी पर रोकते हैं, फिर अगले लेक्चर में और बात करते हैं। अभी इसके और न्यूमेरिकल हम लगवाएंगे, कभी न्यूमेरिकल एक बार खत्म हो फिर इसके एक दो थ्योरम है वो थ्योरम भी निपटा देते हैं, तब ये चैप्टर बंद करते हैं, बाकी बातें अगले लेक्चर में।